वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जब छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का स्वास्थ्य विभाग ने संविदा के तहत 3 माह के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की थी, लेकिन संक्रमण को देखते हुए 3 माह की अवधि के बाद भी 7 महीने तक स्वास्थ्य कर्मियों से सेवाएं ली गई। आपको बता दें कि 180 स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना काल के सबसे आपातकाल के समय में अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते रहे। जब बड़े बड़े डॉक्टरों के अस्पताल आने की हिम्मत नहीं थी, इन कोरोना वॉरियर्स ने जहां पूरी ईमानदारी से संक्रमित लोगों की देखरेख की, वहीं इनके साथ इनके परिवार को भी सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा था। इन कोरोना वॉरियर्स में से एक 22 वर्षीय कोरोना वॉरियर की सेवा देने के दौरान मौत हो गई थी। कई गर्भवती महिला स्वास्थ्य कर्मियों की कार्य के दौरान गर्भपात हो गया, उसके बावजूद वे महिलाएं अपने कार्यों से पीछे नहीं हटी। ऐसे विषम परिस्थितियों में कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने की बजाय जिला प्रशासन उनको नौकरी से हटाकर जलील करने से बाज नहीं आ रहा। जबकि अभी कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से अपने पूरे उफान पर दिखाई दे रहा है। 180 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने कार्यों का हवाला देते हुए शासन प्रशासन से मांग की है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हमें वापस नौकरी पर रखा जाए और स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में हमें प्राथमिकता दे, क्योंकि हमने कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में कार्य करने से अनुभव भी है और हम नए नियुक्त कर्मियों से बेहतर कार्य कर सकते हैं। आप जो हैं इस संबंध को लेकर के आपने कहां कहां तक ज्ञापन दिया है, किस किस से मुलाकात हुई आप लोग? सर, हम लोग सबसे पहले हमारे जो मेन है CMO सर, हमने उनको सबसे पहले अपना लेटर दिया है और उसके बाद हमने कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया। चरणबद्ध तरीके से हम लोग सर, हमारे यहाँ के जो दोनों विधायक हैं दुर्ग जिला के और भिलाई के, हमने उनको भी ज्ञापन दिया, जिसमें देवेंद्र भैया ने बहुत अच्छा हमको रिस्पांस दिया और अरुण वोरा जी ने भी कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम कोशिश करेंगे इस बात को ऊपर तक ले जाने की। लेकिन मंत्री महोदय जी जो हमारे CM सर हैं, उन्होंने आश्वासन जिस प्रकार का हमको दिया, हाँ मैं देखता हूँ, उनका ये रिप्लाई आया था। और TS सिंहदेव सर जो हैं हमारे, उन्होंने हम लोगों को मना कर दिया सीधा सीधा कि आप लोगों की नियुक्ति में आगे नहीं बढ़ा सकता। सर, शासन से बस हमारी यही विनती है और आगे भी विनती ही रहेगी, हम किसी प्रकार का ऐसा उग्रता या उद्दंडता वाला आंदोलन नहीं करेंगे, चूँकि हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं, हमारा काम है लोगों की सहायता करना, ना कि उद्दंडता करना। हम लोग आज भी विनती कर रहे हैं सर, और आने वाले समय में आप सब हमारे साथ रहेंगे, आप लोग देखेंगे कि आगे आने वाले समय में भी हम लोग बहुत ज़ोर से विनती करेंगे और वो सभी लोगों को फिर एक्सेप्टेबल रहेगा उस जगह पे। हमारी मांग यही है सर कि हम लोगों को नौकरी से अभी फ़िलहाल तो वंचित ना किया जाए, क्योंकि सब लोग एक साथ बेरोज़गार हो जाएंगे। कुछ बहनें ऐसी हैं जो बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ भाई ऐसे हैं कि बच्चे छोटे छोटे, वो लोग कहाँ जाएंगे? ये सारी समस्याएँ हैं सर। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, हमको हर स्वास्थ्य विभाग में, हर प्रत्येक स्वास्थ्य विभाग में हम कोरोना वॉरियर्स को प्रथम प्राथमिकता दी जाए। प्राथमिकता बहुत सारे लोगों को मिलती है, हमको प्रथम प्राथमिकता चाहिए सर, क्योंकि हम अपना घर परिवार दोस्त सब कुछ त्याग करके अकेले आए थे सर। ये टीम आज खड़ी दिख रही है, लेकिन हम सब अकेले अकेले आए थे अपने घर से, बहुत कुछ झेले हैं सर, विषम परिस्थितियों का सामना करें, अब हमको भी उसका प्रतिफल मिलना चाहिए सर। इंसानियत सबके अंदर है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी शासन थोड़ा स्नेहपूर्ण रूप से हमारे पर विचार करे। और सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं शुरू से रही हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा कुछ करेगी, ये उम्मीद है हमको हमारी गवर्नमेंट से, बस यही। मैं मोहम्मद अजमत सिद्दीकी, मैं एक वार्ड बॉय के पोस्ट पे अपॉइंटेड था सर यहाँ पे। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।